back to my channel. So, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एलोवेरा जूस के कितने सारे यूजेस हैं, आप उसे कंज्यूम करो तो आपके लिए कितने फायदेमंद है. बट क्या आपको पता है कि इसको आप यू नो एज अ हेयर मास्क भी यूज कर सकते हो. दैट इज सो बेनिफिशियल गाइज. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप एलोवेरा जूस को मिक्स करके अपना हेयर मास्क बना सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. फॉर दिस यू विल नीड एलोवेरा जूस, हनी एंड घी. आपको यहाँ 3 कैप एलोवेरा जूस के कंटेनर में निकाल लेना है और इसकी मात्रा बढ़ा दें अगर आपके बाल मेरे से ज़्यादा लंबे हैं तो. इसके बाद मैं आधे से ज़्यादा चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा हनी यूज़ कर रही हूँ. ये आपके बालों को बहुत अच्छा कंडीशन करेगा. इसके बाद 1/4 और थोड़ा सा ज़्यादा आप अपने बालों के हिसाब से घी को यूज़ करें. यह आपके बालों को बहुत ही अच्छा कंडीशन करेगा. इस मिक्सचर को एक कंटेनर में लेने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें. नाउ एज यू कैन सी मेरे बाल अभी बहुत ही रफ हैं. मैं अभी एक वैकेशन से वापस आई हूँ और स्विमिंग कर करके मैंने अपने बालों को बहुत ही ख़राब कर लिया है. तो अभी मैं इस मिक्सचर को कॉटन की मदद से अपने बालों में लगाऊंगी. आप एक एक पार्टीशन ले लेके इसे कॉटन में डिप करके अपने पूरे बालों पर अच्छे से लगा लें. एज यू कैन सी आई एम डूइंग हेयर. ये आपके बालों को बहुत अच्छा कंडीशन करेगा, बहुत सॉफ्ट बना देगा इसको. और यू नो अभी मेरे बाल काफ़ी डल नज़र आ रहे हैं, उसके बाद काफ़ी शाइनी नज़र आएंगे. तो दैट विल बी द डिफरेंस. मैं पहले ऊपर के हिस्से में अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद एक पोनी करके उसके बाद नीचे के हिस्से को अच्छे से लगाऊँगी. अभी मैं रूट पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ. बहुत ही अच्छे से अब इसे मसाज कर लें एज यू कैन सी. और अब मैं इसे पोनी कर दूंगी. और ऐसा नहीं है कि आप अपने बालों के एंड को भूल जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रफनेस होती है, तो आप उसे भी अच्छे से लगाएं. एंड माय बियर्ड फेस. अब मैं अपने नीचे के बालों को बहुत अच्छे से लगा लूँगी. अभी मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ है कि मैं इसे कॉम भी नहीं कर पा रही थी. इसकी महक ओ माय गॉड इतनी भयानक है कि यू कैन नॉट स्मेल इट. मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसकी महक. बट ठीक है, बालों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो वही मैं कर रही हूँ, एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से और अपने एंड्स पे बहुत ध्यान दे रही हूँ. और अब मैं पूरे बालों को एक अच्छा सा मसाज दूँगी ताकि मेरे बाल के रूट इसको एब्जर्व कर सकें. आफ्टर 20 मिनट्स आपने इसको धो लेना है. एंड दिस इज द रिजल्ट. आपको ये पसंद आया होगा वीडियो. अगर आपको ये पसंद हो गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस मास्क को आपने यूज़ किया है नहीं किया. अगर किया है तो आपको ये यूज़फुल लगा या नहीं लगा. एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय.